टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो नवजात शिशुओं को बेचा करता था। बच्चों की खरीद फरोख्त करीब 3 लाख रुपए तक की जाती थी। क्राइम ब्रांच ने बच्चों की तस्करी करने के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इनमें एक डॉक्टर है, एक नर्स है, एक लैब टेक्नीशियन है, जो मुख्य आरोपी के तौर पर हैं। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि नवजात शिशुओं की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने बांद्रा से 2 महिलाओं को पकड़ा और पूछताछ में एक के बाद एक खुलासे होते गए और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह पहले से ही ऐसे जोड़ों की तलाश किया करता था जिनके पास कोई औलाद ना हो और फिर उन्हें बच्चे बेचने का काम किया करते थे। करीब 6 साल से ये गिरोह नवजात बच्चों की तस्करी करने का काम कर रहा था, मगर अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने नवजात बच्चों की तस्करी करने के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर इन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से 21 जनवरी तक इन्हें पुलिस हिरासत में भेजा गया है। क्राइम ब्रांच जांच अधिकारी योगेश चौहान ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है। इन्फॉर्मेशन आई थी कि खेरवाड़ी मुंबई का जो इलाका है, वहाँ एक संत ज्ञानेश्वर नगर है, वहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं जो जिनको बच्चा होने वाला था और उन्होंने बच्चा होने के बाद जो बच्चे हुए हैं वो बेचे हुए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद हमारी टीम ने वहाँ जाके इंक्वायरी की, ये दोनों लड़कियों को हिरासत में लिया। उसके बाद में ये ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आई कि ये दोनों लड़कियों ने अपने जो लड़के हैं वो पैसे लेके बेचे हुए हैं और वहाँ की एक एजेंट है उसके थ्रू ये व्यवहार हुआ है।